40 मार्क्स, ऑल क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर प्रीवियस 4 टेस्ट। सो पिछले 4 टेस्ट एक कंपाइलेशन है, यदि आपने उसको प्रॉपर तरीके से तैयार किया होगा तो देर इज नो डाउट्स इन आंसर्स। तो नंबर 1 इज व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण आर्टिफैक्ट्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ए हड़प्पन सील्स, बी हड़प्पन कॉइन्स, सी हड़प्पन स्क्रिप्ट, डी हड़प्पन कॉइन्स एंड स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ विच स्टोन द हड़प्पन सील्स आर मेड, हड़प्पा की जो सील्स है उनका निर्माण किस स्टोन से किया गया है, फ्रॉम विच स्टोन दे आर मेड। ए रेड स्टोन, बी स्टेटाइट, सी येलो स्टोन, डी मेटल्स। नाउ थर्ड वन, विच ऑब्जेक्ट्स द हड़प्पन सील्स कंटेंट्स, कि हड़प्पन सील्स है, हड़प्पन सील्स के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स वगैरह बनी हुई है तो उसके बारे में बताना है कि उनके ऊपर कौन से ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। ए एनिमल मोटिव्स, बी साइंस फ्रॉम स्क्रिप्ट, सी रिलीजियस साइंस और डी बोथ ए एंड बी। सो यदि किसी ने लेट ज्वाइन किया हो तो मैं दोबारा से बता देता हूं कि नंबर 1 पे है कि व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट कौन सा है। तो ए हड़प्पन सील्स, बी हड़प्पन कॉइंस, सी स्क्रिप्ट, डी हड़प्पन कॉइंस एंड स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ विच स्टोन द हड़प्पन सील्स आर मेड, ए रेड स्टोन, बी स्टेटाइट, सी येलो स्टोन, डी मेटल्स। नंबर 3 विच ऑब्जेक्ट्स द हड़प्पन सील्स आर कंटेंट्स, ए एनिमल मोटिव्स, बी साइंस फ्रॉम ए स्क्रिप्ट, सी रिलीजियस साइंस, बी बोथ ए एंड बी। फोर्थ वन, नेम द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वाज डिस्कवर्ड, दिस यूनिक कल्चर वाज डिस्कवर्ड, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज दिस यूनिक कल्चर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी, ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी कोपर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कुछ समूह है उनमें से कौन सा प्रॉपर तरीके से मैच नहीं है, कौन सा अनमैच्ड है। ए लॉर्ड लैंड ओनर्स को वेल्लार बोलते थे, प्लोमैन को जुवार बोलते थे, स्लेव्स को आदामी बोला जाता था, गणपति या गृहपति को विलेज हेडमैन बोलते थे। तो ये कुछ तमिल वर्ड्स हैं और उनका इधर मीनिंग दिया गया, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो आपको बताना है। 6-1 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंड ग्रांट्स, लैंड ग्रांट्स को लेकर, भूमि अनुदानों को लेकर स्टेटमेंट्स को कहें कौन सा सही है कौन सा गलत है। सम ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस वर ऑन स्टोन्स बट मोस्ट वर ऑन कॉपर प्लेट्स, इनमें से ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस है वो हमें पत्थरों पे मिले हैं, लेकिन कुछ हमें पत्थरों पे मिले हैं लेकिन ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस से ज्यादातर अभिलेख वो कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखे हुए मिले हैं। मोस्ट इंस्क्रिप्शन वर इन संस्कृत, ज्यादातर अभिलेख वो संस्कृत भाषा में है। फ्रॉम द 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स पार्ट्स ऑफ द इंस्क्रिप्शंस वाज इन संस्कृत व्हाइल द रेस्ट वाज इन लोकल लैंग्वेज सच एज तमिल और तेलुगु। 7वीं शताब्दी के बाद से अभिलेखों के अंत कुछ हिस्सा संस्कृत भाषा में है जबकि शेष हिस्सा किसी स्थानीय भाषा तमिल या तेलुगु में लिखा गया है। तो ऑप्शन डी, द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो गेव अस एन आइडिया अबाउट रूरल पॉपुलेशन, अभिलेखों से हमें ग्रामीण जनसंख्या के बारे में भी जानकारियां मिलती है। ई, द इंस्क्रिप्शन इंडिकेट्स दैट प्रभावती गुप्ता हैड एक्सेस टू लैंड विच सी देन ग्रांटेड, इंस्क्रिप्शन से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि प्रभावती गुप्त एक जमीन की मालकिन थी जो कि उसने बाद में अनुदान में दी है। ऑप्शन एफ ऑल आर करेक्ट की सभी स्टेटमेंट है वो सही है। तो यू हैव टू फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फादर ऑफ प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्ता 1, ऑप्शन 2 बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोका, ऑप्शन डी चंद्रगुप्ता 2। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। 8th का, व्हाई वाज द सिस्टम ऑफ लैंड ग्रांट्स इंट्रोड्यूस फ्रॉम द 4th सेंचुरी BC, 4th शताब्दी ईस्वी से भूमि अनुदान की प्रथा की शुरुआत क्यों हुई। ऑप्शन ए लैंड ग्रांट्स वर पार्ट ऑफ ए स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय द रूलिंग लिनेज टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज, जो भूमि अनुदान की व्यवस्था थी वो शासकों के द्वारा अपनी जो कृषि क्षेत्र था उसके अंदर वृद्धि करने का एक तरीका था, कृषि के अंदर विस्तार करने का एक तरीका था। ऑप्शन बी लैंड ग्रांट्स वर इंडिकेटिव ऑफ वीकनिंग पॉलिटिकल पावर, भूमि अनुदान उनकी कमजोर होती हुई राजनीतिक सत्ता के बारे में संकेत देता है। ऑप्शन सी
kings were losing control over their samantas. They tried to win allies by making grant of lands. राजा थे वो अभी अपने सामंतों के ऊपर से नियंत्रण खोते जा रहे थे, तो इसके कारण वो अपने नए गठबंधन नए लोगों को अपने साथ भूमि अनुदान के द्वारा जोड़ना चाहते थे. डी किंग्स ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज सुपरमैन बिकॉज दे वर लूजिंग कंट्रोल. राजा लोग अपने आप को सुपरमैन यानी कि बहुत शक्तिशाली के रूप में दिखाना चाहते थे क्योंकि वो धीरे धीरे सत्ता से अपना नियंत्रण खोते जा रहे थे. दे वॉन्टेड टू प्रेजेंट एटलीस्ट ए फिगेट ऑफ पावर. कम से कम वो अपनी सत्ता का झूठा प्रदर्शन तो अवश्य ही करना चाहते थे. ऑप्शन ई ऑल आर करेक्ट की सभी ए बी सी डी ऊपर वाले ऑप्शन है वो करेक्ट है. नाइन्थ का कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अग्रहार लैंड. अग्रहार जो जमीन है उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट है उसके बारे में बताना है. एन अग्रहारा वॉज लैंड ग्रांटेड टू ए ब्राह्मण. अग्रहार उस जमीन को बोला जाता था जो कि ब्राह्मणों को डोनेशन में दी जाती थी. दिस लैंड वॉज यूजली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यू. इस जमीन को सामान्यतः भू अनुदान के पे करने से छूट दी जाती थी यानी इस जमीन से किसी प्रकार का कोई भू अनुदान नहीं लिया जाता था. सी लैंड रिसीव्स वर गिवन द राइट्स टू कलेक्ट दीज ड्यूज फ्रॉम द लोकल पीपल. भू अनुदान प्राप्त करने इस प्रकार के भूमि अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ही वहां रहने वाले स्थानीय नागरिकों से टैक्स वगैरह या जो जितने कर हैं उनको प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता था. ऑप्शन डी ए बी एंड सी की ए बी और सी तीनों ही करेक्ट हैं. नाउ टेंथ नंबर 10 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ मौर्यन कैपिटल पाटलिपुत्र. मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है कुछ कथन है उनको कंसीडर करना है. ऑप्शन ए पाटलिपुत्र बिगेन एज ए विलेज नोन एज पाटलिग्राम. पाटलिपुत्र की शुरुआत एक गांव के रूप में हुई जिसे कि पाटलिग्राम के नाम से जाना जाता है. ऑप्शन बी बाय द 4th सेंचुरी BCE इट वाज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन एशिया. चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में यह मौर्यन साम्राज्य की राजधानी बन चुकी थी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी. सी व्हेन द चाइनीज पिलग्रिम हेनसांग विजिटेड टू द सिटी इन द 7th सेंचुरी ही फाउंड इट इज रुइंस एंड विद ए वेरी स्मॉल पॉपुलेशन. सातवीं शताब्दी में जब चाइनीज तीर्थयात्री हेनसांग ने यहाँ का दौरा किया तो उसने इस सिटी को एकदम से खंडहर के रूप में पाया और यहाँ पे एक बहुत छोटी सी पॉपुलेशन निवास करती थी, बहुत कम संख्या में जनसंख्या रहती थी. ऑप्शन डी ए बी एंड सी की सारे के सारे स्टेटमेंट आर करेक्ट. 11th का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. इनमें से दिया गया कौन सा सही तरीके से मैच नहीं करता है. उज्जैनी अलोंग लैंड रूट. उज्जैनी जो है वो लैंड रूट से किनारे बसी हुई थी. पुहार नियर द कोस्ट. पुहार एक कोस्टल पार्ट के किनारे बसा हुआ था. मथुरा कमर्शियल एंड कल्चर सेंटर था. मथुरा एक कमर्शियल कल्चर सेंटर था. जयपुर एक रिलीजियस सेंटर था. तो विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. जो नॉर्दर्न उत्तरी पॉलिशदार मर्द भांड है जिनको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर या NPW बोला जाता है उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है वो बताना. ऑप्शन नंबर ए दीज वर प्रोबेबली यूज बाई रिच पीपल. इनको सामान्यतः अमीर लोगों के द्वारा यूज किया जाता था. इट इंक्लूड्स फाइन पोल्ट्री बाउल्स एंड डिशेज. इसमें सामान्यतः फाइन पोल्ट्री और डिशेज जैसे बर्तन हमें मिले हैं. दीज आर्टिफैक्ट्स हैव बीन प्रीपेयर्ड विद ए ग्लॉसी फिनिश. इन बर्तनों को सामान्यतः एक चमकीली फिनिश के द्वारा ग्लॉसी फिनिश के द्वारा तैयार किया जाता था. ऑप्शन डी ए बी एंड सी. क्वेश्चन नंबर 13 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ गिल्ड्स और श्रेणी. गिल्ड्स और श्रेणी को लेकर जो स्टेटमेंट है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है. दीज वर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड मर्चेंट्स. ये संगठन क्राफ्ट प्रोडक्शन और मर्चेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है. बी दीज गिल्ड्स प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल्स. इन गिल्ड्स का मुख्य काम अपनी जो संगठन होता था उसके लिए कच्चे माल की प्राप्ति सुनिश्चित करना होता था. दे रेगुलेटेड प्रोडक्शन एंड मार्केटेड द फिनिश प्रोडक्ट्स. इसके साथ ही वो अपने सदस्यों के लिए उत्पादन को नियंत्रित करते थे और साथ ही उसके विपणन की भी जो तैयार माल था उसकी मार्केटिंग का काम भी करते थे. ऑप्शन डी ए बी एंड सी. विच टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. धार्मिक संस्थाओं को दिए जाने वाले जो गिफ्ट थे उनको किस प्रकार के अभिलेखों में रिकॉर्ड किया जाता था. ऑप्शन ए रेड स्टोन इंस्क्रिप्शन. ऑप्शन बी स्टोन इंस्क्रिप्शन. ऑप्शन सी मेटल इंस्क्रिप्शन. ऑप्शन डी वोटिव इंस्क्रिप्शन. क्वेश्चन 15 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेड फ्रॉम 6th सेंचुरी BC. व्हिच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट. छठी शताब्दी से लेकर जो ट्रेड का जो सिस्टम है व्यापार की जो व्यवस्था उसको लेकर कुछ स्टेटमेंट दिए गए इनमें से कौन सा सही नहीं है. व्हिच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट. नोट के ऊपर ध्यान रखिएगा इसमें इनमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है. स्पाइसेस स्पेशली पीपर वर इन हाई डिमांड इन द रोमन एम्पायर. मसालों जिनमें कि विशेषकर जो काली मिर्च था उसकी रोमन एम्पायर के अंदर बहुत ज्यादा मांग थी. रोम साम्राज्य में बहुत ज्यादा डिमांड थी उसकी.
Archaeological evidence of a bead making industry using precious and semi precious stones have been found in Kodumallal, Tamil Nadu. Sorry, पुरातत्व वेताओं को तमिलनाडु के कोडामलाल नाम से एक जगह है जहां पर बीड मेकिंग से रिलेटेड एक कारखाना मिला है जिसमें कि कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों को यूज करते हुए बीड्स का निर्माण किया जाता था. सी, इंडियन गुड्स ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द अरेबियन सी टू द अंटार्कटिका. भारतीय सामानों का निर्यात अरेबियन सी से लेकर अंटार्कटिका तक होता था. ऑप्शन डी, सक्सेसफुल मर्चेंट्स डेजिग्नेटेड एज मत्तुवन इन तमिल एंड सेटीज एंड साथवा इन द प्राकृत. सफल व्यापारियों को तमिल भाषा में मेसुटुवन और सेठी और सातवा प्राकृत भाषा में बोला जाता था. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कोइनेज सिस्टम इन अर्ली इंडिया, विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट. शुरुआती भारत में जो कोइनेज सिस्टम है, जो सिक्कों की व्यवस्था की जो शुरुआत है, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है. पंचमार्क कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, जो पंचमार्क कॉइन थे उनका निर्माण सिल्वर और कॉपर से किया जाता था. वर अमंग्स द अर्लीस्ट टू बी माइंटेड एंड यूज, जो कि भारत में यूज किए जाने वाले प्रथम सिक्कों में से माने जाते हैं. न्यूमिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द कॉइनेज, न्यूमिस्टिक्स के अंदर सिक्कों का अध्ययन करने की कला को बोला जाता है. ऑप्शन सी, द फर्स्ट कॉइन्स टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर इशूड बाय द कुषाणा. वे प्रथम शासक जिनपे शासकों के नाम और चित्र लिखे हुए थे, इमेज छपी हुई थी, वो कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए थे. The first gold coins were issued from first century by Kushanas. भारत में प्रथम सोने के सिक्के प्रथम शताब्दी में कुषाण शासकों के द्वारा ही जारी किए गए थे. They were virtually identical in weight with those to the contemporary Roman emperors and Parthian rulers of Iran. कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के अपने समकालीन रोमन एम्पायर के शासकों और ईरान के शासकों से वेट के अंदर मिलते जुलते थे. Hordes of Roman coins have been found from archaeological sites in South India. भारत में दक्षिण भारत की जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वहां से हमें रोमन सिक्कों के भंडार मिले हैं. कॉइन्स वर आल्सो इशूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक्स सच एज दैट ऑफ योद्धा जो पंजाब एंड हरियाणा. भारत में जो सिक्के हैं वो सिक्के सामान्यतः ट्राइबल जनजातियों के द्वारा भी जारी किए गए हैं, विशेषकर पंजाब और हरियाणा की योद्धा जनजातियों के द्वारा. ऑप्शन ए, पंचमार्क कॉइन्स वर नेम्ड बिकॉज़ सिंबल्स वर पंचमार्क. सिक्के को पंचमार्क इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके ऊपर सिंबल्स को मार्क करके लगाया जाता था. 17. From 6th century onwards, finds of goldstone taper off. Which of the correct option or reason for this situation? 6th शताब्दी के बाद से भारत में सामान्यतः जो सोने के सिक्के हैं उनका वो मिलने बंद हो गए. इनमें से कौन सा रीजन इसके लिए या इस सिचुएशन के लिए कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? It indicates that there was some kind of an economic crisis. या हमें ये बताता है कि उसमें किसी प्रकार का कोई आर्थिक संकट था. Which of the collapse of the Western Roman Empire long distance trade declined and this affected the prosperity of the state? जैसे ही Western Roman Empire का decline हुआ और Western Roman Empire का पतन हुआ, उसके कारण भारत के राज्यों से होने वाले जो लंबी दूरी का जो व्यापार था वो भी उसका भी decline हुआ, जिसके कारण जो यहाँ की states थे उनकी prosperity उनकी भू संपदा में कमी आई. Coins were in circulation rather than being hoarded. कॉइन सिक्के हैं वो इस समय ज्यादा सर्कुलेशन में थे लेकिन उनको भंडार में नहीं रखा जाता था, उनको होर्डेड करके नहीं रखा जाता था, इसलिए वो हमें नहीं मिलते हैं. न्यू टाउन्स एंड नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड स्टार्टेड इमर्जिंग अराउंड दिस टाइम. क्योंकि ये वो समय था जब यहाँ पे नए नए नगरों और नए नए व्यापार के नेटवर्क का निर्माण हो रहा था, उनका उदय हो रहा था. तो कौन सा इस सिचुएशन के लिए करेक्ट रीजन माना जा सकता है? Which script was used in most of the Ashokan inscriptions? Ashok के ज्यादातर inscriptions में कौन सी script का use किया गया है? देवनागरी, खरोष्टी, हिंदवी और ब्राह्मी. देवनागरी, खरोष्टी, हिंदवी और ब्राह्मी में से किस script का ज्यादातर Ashok के inscriptions में use किया गया है? By which time Zen prince was able to dispense Ashok Brahmis? अशोक की जो ब्राह्मी लिपि है उसकी खोज जैन प्रिंसेप के द्वारा किस समय की गई थी? 1840, 1843, 1838, 1847. क्वेश्चन नंबर 20 स्टेटमेंट ए, द डिस्टर्बमेंट ऑफ करोसी द स्क्रिप्ट यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन इन द नॉर्थ वेस्ट वाज डन विद द फाइंडिंग्स ऑफ कॉइंस ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स. भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो करोसी लिपि का जो यूज किया जाता है उसकी खोज या उसकी समझ सामान्यतः इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा यूज किए जाने वाले सिक्कों से हो पाई है. इसका रीजन, these coins contain the names of kings written in Greek and Khrosti scripts.
क्योंकि इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के इन पे सामान्यतः राजा का नाम ग्रीक और खरोष्ठी दोनों ही लिपियों में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स द ए, ऑप्शन बी ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड आर डिडंट एक्सप्लेन द ए, ऑप्शन सी ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, ऑप्शन सी ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। 21 Which of the titles adopted by the ruler Ashoka in his inscriptions? Ashoka के द्वारा अपने अभिलेखों में किस टाइटल को लिया गया है सामान्यतः? A. देवानी पीरी और beloved of the gods. B. प्रियदेशी और peasants to be heard. C. अशोक वैदिक. D. A and B. What is the meaning of term पति वेद का? पति वेद का एक टर्म है, उसका मीनिंग क्या है, उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए रिपोर्टर, ऑप्शन बी वेदक, ऑप्शन सी सरमन, ऑप्शन डी पति वेद। 23 Which of the following are not the limitations of the inscriptions? इनमें से कौन सी अभिलेखों की सीमाएं नहीं मानी जा सकती हैं? Which are not considered as the limitations of the inscriptions? Option A letters are very faintly engraved and thus reconstructions are uncertain. सामान्यतः inscriptions पे जो अक्सर लिखे गए हैं वो fainted रूप से लिखे गए थे, यानी उनको उतना गहराई तक उकेरा नहीं गया है, जिसके कारण उनको दोबारा से समझ पाना एक या उनका मीनिंग है वो अनसर्टेन रहता है, अनिश्चितता रहती है। इंस्क्रिप्शंस में भी डैमेज्ड और लेटर्स मिसिंग, ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस वो डैमेज हो गए हैं या उसमें लेटर्स वो मिसिंग हैं। नॉट इजी टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस। अभिलेखों में जिन शब्दों का यूज किया गया है उनका वर्तमान में क्या एग्जैक्ट मीनिंग होगा उसके बारे में ज्यादा श्योरिटी नहीं हो पाती है। ऑल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड द जॉयज एंड सोरोज ऑफ डेली एग्जिस्टेंस फाइंड इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन इन द इंस्क्रिप्शंस। सामान्यतः अभिलेखों में उस समय की ज्यादातर जो कृषि संबंधित गतिविधियां हैं या सामान्य लोगों के दिन प्रतिदिन के सुख दुखों का भी वर्णन हमें मिल पाता है। ऑप्शन इज द कंटेंट ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट इनवेरिएबली प्रोजेक्ट द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन हु कमीशन्ड देम। इंस्क्रिप्शंस का जो कंटेंट है वो सामान्यतः हमें उन लोगों के बारे में या उन लोगों की ओर से इंफॉर्मेशन देता है जिन लोगों ने उसे बनवाया था या जिन लोगों ने उसे बनाया है कि उनका उसके बारे में क्या प्रोस्पेक्टिव है, वही इंफॉर्मेशन हमें इंस्क्रिप्शन से भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट वाज यूज्ड टू फैसिलिट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए किसको यूटिलाइज किया जाता था? ऑप्शन ए सील्स, ऑप्शन बी सीलिंग्स, ऑप्शन सी कॉइन्स, ऑप्शन डी सील्स एंड सीलिंग्स। 25 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव ए लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर। हड़प्पा की जो सील है उसके ऊपर सामान्यतः एक लाइन की राइटिंग में कुछ लिखा हुआ है जो कि सामान्यतः उसको बनाने वाले या उसको रखने वाले व्यक्ति का नाम और उसके टाइटल की जानकारी हमें देता है। द मोटिव कन्वेड ए मीनिंग ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड। और सामान्यतः उसके ऊपर जो मोटिव है जो कि सामान्यतः एक एनिमल होता था वो उनको जानकारी देता है जो उनको पढ़ नहीं पाते थे। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइन। हड़प्पा लिपि के ज्यादातर जो अभिलेख हैं वो छोटे हैं, सबसे लंबे अभिलेख में सामान्यतः 26 शब्दों का यूज किया गया है। द स्क्रिप्ट रिमेन्स इंडिस्पेंडेड टूडे, वर्तमान समय तक भी स्क्रिप्ट को समझा नहीं जा सका है। इट वॉज इमीडिएटली नॉट अल्फाबेटिकल, और ये सामान्यतः एक अल्फाबेटिकल स्क्रिप्ट नहीं थी। सो इट हैज जस्ट टू मेनी साइंस, जिसके कारण इसमें कई सारे साइंस का यूज किया गया है, समवेयर बिटवीन 375 टू 400, जिनकी संख्या सामान्यतः 375 से लेकर 400 तक हो सकती है। इट इज अपेरेंट दैट द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये माना जाता है कि जो लिपि है वो लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती थी। एज सम सील्स शो वाइडर स्पेसिंग, क्योंकि कुछ सील्स के ऊपर हमें एक ज्यादा स्पेस मिलता है ऑन द राइट एंड क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट, और लेफ्ट की तरफ स्पेस कम है और राइट की तरफ स्पेस ज्यादा है। 26 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेट सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो वेट सिस्टम है जो उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाई ए प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट। सामान्यतः जो एक्सचेंज होते थे वो एक वेट सिस्टम से किए जाते थे। वेट्स यूजुअली मेड ए स्टोन कॉल्ड चर्ट एंड जनरली क्यूबिकल विद नो मार्किंग। वेट्स थे वो सामान्यतः एक पत्थर से जिसको चर्ट बोला जाता था उससे बने होते थे, और जनरली उसका आकार क्यूबिकल होता था जिसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती थी। लोअर डोमिनेशन ऑफ वेट्स वर बाइनरी। सामान्यतः लोअर बाइनरी संख्या में होते थे उनके जो लोअर डोमिनेशन है वेट के, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 से लेकर 12, 18 तक। While the high dominations followed the decimal system, जबकि high dominators में वो decimal system का use करते थे अपने weighting system के लिए। तो which are the correct statements? 27 A stone statue was labeled and continues to be known as the Priest King.
एक स्टोन की एक स्टेचू, एक पत्थर से बनी हुई एक मूर्ति हमें मिली है जिसे कि सामान्यतः प्रिस्ट किंग से नाम से जाना जाता है। दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट वर फेमिलियर विद मेसोपोटामियन हिस्ट्री एंड इज प्रिस्ट किंग, क्योंकि इसे प्रिस्ट किंग इसलिए बोला गया है क्योंकि जो आर्कियोलॉजी का काम करने वाले लोग थे वो मेसोपोटामिया में मिलने वाली या मेसोपोटामिया की हिस्ट्री से ज्यादा फेमिलियर थे और वहां भी उन्हें एक प्रिस्ट किंग मिला है। एट विच साइड दिस स्टेच्यू वाज साइट, तो किस साइट पे हमें इस प्रकार की स्टेच्यू मिली है? मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल। ए मोहनजोदारो, बी हड़प्पा, सी धोलावीरा, डी लोथल। तो किस जगह पे हमें प्रिस्ट किंग की पत्थर से बनी हुई मूर्ति मिली है, उस जगह का नाम आपको बताना है। 28 देयर इज एविडेंस दैट बाई 1800 BC मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट्स इन द रीजन सच एज द चोलिस्तान हैड बीन अबंडेंट। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज एविडेंस? ये माना जाता है कि 1800 ईसा पूर्व में ज्यादातर मेच्योर हड़प्पा से संबंधित जो साइट्स थी चोलिस्तान इलाके में वो धीरे धीरे समाप्त हो गई, डिक्लाइन हो गई। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन माना जा सकता है इसके एविडेंस को लेकर? नंबर एक, द डिसअपीयरेंस ऑफ द डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द सिविलाइजेशन। मेच्योर हड़प्पा से संबंधित जो सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स थे वो उनकी धीरे धीरे समाप्ति हो गई, उनका धीरे धीरे डिसअपीयरेंस हो गया यानी उनका मिलना बंद हो गया। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ऑल्सो डिसअपीयर्ड, जो क्राफ्ट का जो स्पेशलाइजेशन था वो भी समाप्त हो गया। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स डिस्टोर्टेड एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड। हाउस को बनाने की जो तकनीक थी उसमें भी डिग्रेडेशन आ गया और अब किस नए नए बड़े बड़े प्रकार के स्ट्रक्चर, बड़े बड़े प्रकार के सार्वजनिक स्ट्रक्चर हमें नहीं देखने को नहीं मिलते थे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेटेरियल कल्चर, जो सभ्यता का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अब धीरे धीरे मेटेरियल कल्चर में हो गया था। द डिसअपीयरेंस ऑफ रूरल सेंटर, साथ ही ग्रामीण इलाकों की भी अनुपस्थिति हमें देखने को मिलती है। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI? 29 में ASI के प्रथम डायरेक्टर जनरल क्या नाम था? ऑप्शन ए कनिंगम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी दयाराम सानी, ऑप्शन डी मैकेसब। 30 हु यूज द अकाउंट्स लेफ्ट बाय चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हु हैज विजिटेड द सबकॉन्टिनेंट बिटवीन द 4th एंड 7th सेंचुरी CE टू लोकेट अर्ली सेटलमेंट्स। शुरुआती सेटलमेंट्स को लोकेट करने के लिए, शुरुआती सेटलमेंट्स से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के शुरुआती सेटलमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए किसके द्वारा? चाइनीज बुद्धिस्ट तीर्थयात्रियों के द्वारा लिखे गए अकाउंट्स को यूटिलाइज किया गया है। ऑप्शन ए कनिंगम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी दयाराम सानी, ऑप्शन डी मैके। 31 दिस वॉज बिकॉज ही लाइक मैनी अदर्स थॉट दैट इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद द फर्स्ट सिटीज इन द गंगा वैली। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो भी बाकी लोगों की तरह ये सोचता था, ये मानता था कि भारत के इतिहास की शुरुआत गंगा वैली में शुरू होने वाले प्रथम शहरों से हुई है। गिवन हिज स्पेसिफिक फोकस इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट ही मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द हड़प्पा। और गंगा वैली में शुरू होने वाले शहरों को स्पेसिफिक फोकस होने के कारण ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने हड़प्पा के सिग्निफिकेंस को खो दिया या वो हड़प्पा के सिग्निफिकेंस को पहचान नहीं पाए। आइडेंटिफाई द पर्सन हु वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। उस व्यक्ति की पहचान कीजिए जो कि हड़प्पा के सिग्निफिकेंस को पहचान नहीं पाए। ऑप्शन ए कनिंगम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी दयाराम सानी, ऑप्शन डी मैके। क्वेश्चन नंबर 32 हु नोटेड इन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल दैट मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर। किसने अपनी बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल में कहा है कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 साल पीछे ले जाकर छोड़ा? ऑप्शन ए कनिंगम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी SN रॉय, ऑप्शन डी मैके। क्वेश्चन नंबर 33 हु अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ ए न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड इन 1924 में पूरी दुनिया के सामने इंडस वैली के नाम से एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए कनिंगम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी व्हीलर, ऑप्शन डी मैके। 34 Who were the two Indian archaeologists who discovered the Indus Valley civilization? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने वाले दो भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट का नाम क्या था? वो कौन से दो भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? ऑप्शन ए दयाराम सानी एंड राखालदास बनर्जी, ऑप्शन डी राखालदास बनर्जी एंड SN रॉय, ऑप्शन सी दयाराम सानी एंड जे शर्मा, ऑप्शन डी दयाराम सानी एंड SN रॉय। क्वेश्चन नंबर 35 Who was the first professional archaeologist to work in India? भारत में काम करने वाले प्रथम प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट का नाम क्या है, यानी कि उस आर्कियोलॉजिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने कि प्रोफेशनल तरीके से भारत में काम किया था। ऑप्शन ए जॉन मार्शल साहब, ऑप्शन बी कनिंगम, ऑप्शन सी REM व्हीलर, ऑप्शन डी मैके साहब। क्वेश्चन नंबर 36 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ REM व्हीलर, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट।
REM व्हीलर शॉप से किससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए, उनमें से सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। इट वॉज REM व्हीलर टू कवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI 1944। REM व्हीलर साहब ASI के डायरेक्टर जनरल 1944 में बने थे। व्हीलर रिकॉग्नाइज्ड दैट इट वाज नेसेसरी टू फॉलो द स्टेटोग्राफी ऑफ द माउंट रादर देन द डिग मैकेनिकली अलोंग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइंस। व्हीलर साहब थे जिन्होंने सबसे पहले ये पहचाना कि हमें स्टेटोग्राफी तकनीक का यूज करना चाहिए किसी भी जगह खुदाई करने में, इसके बजाय कि हम मैकेनिकल तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस में किसी जगह की खुदाई करें। एज एन एक्स आर्मी ब्रिगेडियर ही बोर्ड विद ए मिलिट्री प्रिसीजन टू द प्रैक्टिस ऑफ आर्कियोलॉजी। एक एक्स आर्मी ब्रिगेडियर होने के नाते वो आर्कियोलॉजी के काम में जो मिलिट्री के जो परसेप्शन, जो मिलिट्री की जो गुणवत्ता होती है, मिलिट्री का जो कौशल होता है, जो सैन्य कौशल होता है, उसको भी उन्होंने उसमें शामिल किया। ऑप्शन डी ए बी एंड सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, विच थिंग हेल्प्स आर्कियोलॉजिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन। प्राचीन सभ्यता की समझ बनाने में इनमें से कौन सी चीजें आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प करती हैं? ऑप्शन ए मटेरियल एविडेंस, ऑप्शन सी हड़प्पन स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी हड़प्पन स्क्रिप्ट, ऑप्शन सी हड़प्पन कॉइंस, ऑप्शन डी हड़प्पन टेक्स्ट। तो इनमें से किस चीज से आर्कियोलॉजिस्ट को इस सभ्यता के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है? 38, एट विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन फायर आल्टर्स वर फाउंड। अग्निवेदिका से संबंधित साक्ष्य इंडस वैली के किस साइट से हमें मिलते हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल एंड हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल एंड धोलावीरा, ऑप्शन डी कालीबंगा एंड मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 39, सम एनिमल्स सच एज द वन हॉर्न एनिमल्स ऑफन कॉल्ड द डिसेप्टेड ऑन सील सीम्स बी मिथिकल कंपोजिट क्रिएचर्स, मेंशन द नेम ऑफ दीज एनिमल्स। हड़प्पा से की जो सील्स है उनके ऊपर कुछ एनिमल्स मिले हैं, उनमें से एक एनिमल ऐसा है जिसका एक सींग है, साथ ही में उसको कई सारे मिथिकल रूप से कई सारे एनिमल्स के साथ कंपोजिट करते हुए दिखाया गया है, तो उस प्रकार के एनिमल को क्या बोला जाता था? ऑप्शन ए यूनिकॉर्न, ऑप्शन बी प्रोटोसिवा, ऑप्शन सी बुल, ऑप्शन डी जेबिकॉर्न। हु वाज सरमन, सरमन्स किसको बोला जाता था? क्लेम मैजिकल पावर्स एंड हीलिंग पावर्स के सरमन वो लोग थे जो कि मैजिकल और हीलिंग पावर को क्लेम करते थे। ऑप्शन बी हैज एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर वर्ल्ड, दूसरे संसार से बात करने का दावा करते थे। ऑप्शन सी मैन एंड वीमेन हु क्लेम मैजिकल एंड हीलिंग पावर, वे मैन और वीमेन जो कि अपने आप में मैजिकल पावर का क्लेम करते थे और हीलिंग पावर का क्लेम करते थे। ऑप्शन डी ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 41, देयर वर सेवरल चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ बिटवीन 600 BC टू 600 CE। 600 BC से लेकर 600 CE के बीच हमारी आर्थिक और राजनीतिक जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन हम देखने को मिलते हैं। सम ऑफ दीज चेंजेस इन्फ्लुएंस सोसाइटीज एज वेल, इनमें से कुछ चेंजेस ने समाज को भी प्रभावित किया। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दीज इन्फ्लुएंसेस, तो इस समाज के ऊपर पड़ने वाले इन प्रभावों में से सही ऑप्शन को चूज आउट करना है। द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इन टू फॉरेस्टेड एरिया ट्रांसफॉर्म द लाइव ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। जैसे जैसे एग्रीकल्चर का फॉरेस्ट इलाकों में विस्तार हुआ, उससे फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले लोगों के जीवन के उनके जीवन के में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उनके जीवन में भी कई सारे परिवर्तन आए। ऑप्शन बी क्राफ्ट स्पेशलिस्ट एम्ब्रेज अ डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप, क्राफ्ट में जो स्पेशलाइजेशन रखने वाले लोग थे उनका एक अलग सामाजिक वर्ग के रूप में उदय हुआ। ऑप्शन सी दी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शार्पन द सोशल डिफरेंसेज, वेल्थ का या रिसोर्सेज के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सोसाइटी के अंदर और ज्यादा भिन्नताएं या भेदभाव का जन्म हुआ। ऑप्शन डी ऑल दी अबव, सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच थिंग वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग द टेक्सचुअल ट्रेडिशन टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए जब हम टेक्सचुअल ट्रेडिशन का यूज करते हैं, जब हम लिखित स्रोतों का यूज करते हैं, तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन ए हु कंपोज्ड द पर्टिकुलर टेक्स्ट एंड हु फॉर होम, कि जिस भी टेक्स्ट का हम यूज कर रहे हैं उस टेक्स्ट की रचना किसके द्वारा की गई है और किसके लिए की गई है। ऑप्शन बी कंसीडर द लैंग्वेज यूज इन द पर्टिकुलर टेक्स्ट में किस प्रकार की भाषा का यूज किया गया। ऑप्शन सी द वेज इन विच द टेक्स्ट सर्कुलेटेड, साथ ही हमें यह भी पता लगाना चाहिए कि वो टेक्स्ट का सर्कुलेशन कैसे हुआ है। ऑप्शन डी डील्स विद द प्रोस्पेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक सोशल कैटेगरीज, साथ ही यदि उसमें किसी स्पेसिफिक सोशल कैटेगरीज के बारे में कुछ लिखा गया है तो उसके बारे में ऑथर का क्या प्रोस्पेक्टिव है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। ऑप्शन ई ऑल दी अबव। 43, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ महाभारत, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। महाभारत से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, सही ऑप्शन का पता करना। ऑप्शन ए इट वॉज कंपोज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ अबाउट 1000 ईयर्स, इसकी रचना लगभग 1000 साल के दौरान हुई है। द सेंट्रल स्टोरी इज अबाउट टू सेट ऑफ वारिंग कजन्स, महाभारत की जो मुख्य कथा है उसमें दो लड़ने वाले कजन्स की कहानी है, दो लड़ने वाले चचेरे भाई की कहानी है। द टेक्स्ट ऑल्सो कंटेन्स सेक्शन लेइंग डाउन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर्स फॉर वेरियस सोशल ग्रुप्स,
महाभारत के अंदर जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स है उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इट इज ए कोलोजल इपिक रनिंग इनटू प्रेजेंट फॉर्म ओवर 2 लाख वर्सेज। ये एक वृहत महाकाव्य है जो जिसमें कि लगभग 1 लाख के आसपास श्लोक हैं। इट डिस्क्राइब्स ए फ्यूड लैंड ओवर बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ कजन। साथ ही यह जमीन और पावर को लेकर होने वाले घर के युद्ध के वर्णन करता है जो कि 2 कजन्स के बीच हुआ था, द कौरव एंड पांडवा, जो कि जिनका नाम कौरव और पांडव था। हु बिलोंग टू ए सिंगल रूलिंग फैमिली, जो कि एक ही रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे जिसका नाम था कुरु। द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड ए बैटल, इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो विवाद था, उसका अंत एक युद्ध में हुआ। इन विच द पांडवाज एम्ब्रेस्ड विक्टोरियस, जिसमें कि पांडवों की विजय हुई। आफ्टर दैट पैटर्नल सक्सेशन वाज प्रोक्लेम्ड, और उसके बाद पितृ सत्तात्मक रूप से राज उत्तराधिकार को प्रोक्लेम किया गया। ऑप्शन जी ऑल द अबव, उसकी सभी स्टेटमेंट सही हैं। 44 हु एंड व्हेन स्टार्टेड टू प्रिपेयर ए क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन है वो किस कब और किसके द्वारा तैयार करना शुरू किया गया। ऑप्शन ए वी एस सुकांतरी 1919, ऑप्शन बी बी एल लाल 1919, ऑप्शन सी एस के रॉय 1920, ऑप्शन डी वी एस सुकांतरी 1920। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मैच करेक्टली, इनमें से कौन सा सही प्रॉपर तरीके से मैच नहीं है। पैटर्नली ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, कि पैटर्नली सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें कि डिसेंट है वो फादर से सन की ओर आता है। मैटर्नली में डिसेंट इज ट्रेस थ्रू द मदर, जो डिसेंट है उत्तराधिकारी है वो माता की ओर से आता है। एक्जोगोमी यानी रेफर्स टू मैरिज आउटसाइड द यूनिट, अपने परिवार से या अपने कुल से बाहर शादी करना। एंडोगोमी रेफर्स टू मैरिज विद इन यूनिट, एक ही कुल या समूह के अंदर शादियां करना। पॉलीजिनियस मतलब प्रैक्टिस ऑफ ए मैन हैविंग सेवरल वाइव्स, एक ही पति के द्वारा कई प्रकार की अलग अलग पत्नियां रखना। और पोलेंटी का मतलब प्रैक्टिस ऑफ ए वीमेन हैविंग सिंगल हस्बैंड, की एक पत्नी के द्वारा एक ही हस्बैंड को रखना पोलेंटी सिस्टम कहलाता है। दी ब्राह्मण्स लेइंग डाउन कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन ग्रेट डिटेल, ब्राह्मणों के द्वारा सामाजिक व्यवहार को लेकर कई प्रकार के कोड्स की रचना की गई है। देयर वर मेन टू बी फॉलोड बाई ब्राह्मण्स इन पर्टिकुलर, जिनकी जिनको सामान्यतः ब्राह्मणों के द्वारा विशेष रूप से उनका पालन किया जाता था, एंड रेस्ट ऑफ सोसाइटी इन जनरल, और सोसाइटी के बाकी लोगों के द्वारा भी। मेंशन द नेम ऑफ दीज कोड्स, इन कोड्स का नाम क्या है। ए का धर्मसूत्र, बी का धर्मशास्त्र, सी का मनुस्मृति, डी ए बी एंड सी। 47 द धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र रिकॉग्नाइज्ड, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मैरिज, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों में शादी के कितने प्रकार को रिकॉग्नाइज किया गया है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन नंबर 48, इनिशियली व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ गोत्र, शुरुआत में जो गोत्र का ओरिजिन था वो किससे माना जाता है। ऑप्शन ए वैदिक सीर, किसी वैदिक ऋषि के नाम से, ऑप्शन बी मदर, ऑप्शन सी फादर, ऑप्शन डी फैमिली। क्वेश्चन नंबर 49, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गोत्र, गोत्र से संबंधित जो स्टेटमेंट है उनको कंसीडर कीजिए, फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन, इनमें से गलत कौन सा है। ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम गोत्र वर रिगार्डेड एज द डिसेंडेंट्स, वे सारे लोग जो कि एक ही गोत्र से संबंध रखते थे उनको सामान्यतः भाई बंधु माना जाता था। वीमेन वर एक्सेप्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र एंड अडॉप्ट देयर दैट ऑफ देयर हस्बैंड ऑन द मैरिज, महिलाओं को सामान्यतः शादी के बाद अपने पिता के गोत्र को त्याग कर अपने पति के गोत्र को धारण करना होता था। मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुडंट मैरी, एक ही गोत्र से संबंध रखने वाले मेंबर्स के आपस में शादी नहीं होती थी। ऑप्शन डी रूल्स ऑफ गोत्र वर फॉलोड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट इक्वली, गोत्र से संबंधित जो नियम कानून कायदे थे वो भारतीय उपमहाद्वीप में समान रूप से फॉलो किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 50, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सातवाहन रूलर्स, विच ऑफ देम मैच्ड विद ब्राह्मणिकल रूलर्स, सातवाहन शासकों से संबंधित कुछ स्टेटमेंट यहाँ दिए गए, उनमें से कौन से हैं जो कि ब्राह्मणिकल सिस्टम है उससे मैच करते हैं, उससे संबंध रखते हैं। ऑप्शन ए सम ऑफ द सातवाहन रूलर्स वर पॉलीजिनस, कुछ सातवाहन रूलर्स थे जो कि एक से ज्यादा पत्नियां रखते थे। वीमेन वर मैरिड सातवाहन रूलर्स इंडिकेट्स दैट मेनी ऑफ देम हैड नेम डिराइव फ्रॉम गोत्र सच एज गौतम एंड वशिष्ठ और देयर फादर्स गोत्र, सातवाहन शासकों की जिन महिलाओं से शादी हुई है उनके गोत्र से हमें यह पता लगता है कि उन्होंने अपने नाम में अभी भी अपने पिता के गोत्र गौतम और वशिष्ठ को जोड़ के रखा हुआ था, यानी कि उन्होंने अपने पति के गोत्र को धारण नहीं किया था। ऑप्शन सी सम ऑफ दीज वीमेन बिलोंग टू द सेम गोत्र, इनमें से कुछ महिलाएं एक ही गोत्र से संबंध रखती थी। ऑप्शन डी सातवाहन रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनोमिक्स, सातवाहन शासकों की पहचान सामान्यतः उनके माता से होती है। ऑप्शन ई सक्सेशन इज द थ्रोन वाज जनरली पैटर्नल इन सातवाहन रूलर्स, सातवाहन शासकों में उत्तराधिकार के लिए सामान्यतः पितृ सत्तात्मक नियम का पालन किया जाता था। 51 व्हिच ऑक्यूपेशन वर आल्सो असाइंड टू द वेश्यास एज पर द धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्यूपेशंस कौन से प्रोफेशंस हैं वेश्यों को दिए गए थे। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, पेट्रोलिज्म एंड ट्रेड, कृषि, पशुपालन और व्यापार, ऑप्शन बी वारफेयर, प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस।
युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना और प्रशासन और न्याय करना। ऑप्शन सी स्टडी द वेदास, वेदों का अध्ययन करना, ग्रेट सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड, यज्ञ करना एंड मेक गिफ्ट्स और साथ ही दान वगैरह लेना। ऑप्शन डी सर्विंग द थ्री हायर गुरुनाज, ऊपर के तीनों वर्ण के लोगों की सेवा करना। 52 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी वर अडॉप्टेड बाय द ब्राह्मण्स टू इन्फोर्स द आइडिया ऑफ द आइडियल ऑक्यूपेशन टू द फोर कैटेगरी ऑफ द वर्णास। वर्णों की जो चार कैटेगरी थी उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उससे संबंधित ऑक्यूपेशंस को के आइडिया को एनफोर्स करने के लिए कौन सी प्रकार की प्लानिंग को ब्राह्मणों के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। द ब्राह्मण्स असर्ट दैट द वर्ण ऑर्डर वाज ऑफ डिवाइन ओरिजिन। ब्राह्मणों ने इस बात पर जोर दिया कि जो वर्ण व्यवस्था है वो एक देवी व्यवस्था है। The Brahmins advised kings to ensure that these norms were followed within their kingdom. साथ ही ब्राह्मणों ने राजाओं को यह भी सलाह दी कि वर्ण से संबंधित जो norms हैं उनका उनकी किंग उनके साम्राज्य में पूरी तरह से पालन होना चाहिए। Option C, they attempted to persuade people that their status was determined by birth. साथ ही उन्होंने लोगों को यह भी समझाया कि उनका जो समाज में status है वो उनके जन्म के आधार पर decide होता है। Option D, all the three तीनों सही हैं। Question number 53, the Sakyas who came from Central Asia were regarded by which name? सेंट्रल एशिया से आने वाले जो सर कौशल थे उनको किस नाम से जाना जाता था। ए काम शूद्र, बी काम अनटचेबल, सी काम लो ओरिजिन, डी काम मल्लेच्छ। यानी मध्य एशिया से आने वाले सर शासकों को किस नाम से पुकारते थे? शूद्र, अनटचेबल, लो ओरिजिन और मल्लेच्छ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वो सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू दी शास्त्र ओनली क्षत्रिय कुल की किंग, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय लोग ही राजा बन सकते थे। ऑप्शन बी, बुद्धिस्ट टेक्स सजेस्टेड दैट मौर्यस वर क्षत्रिय। बुद्धिस्ट टेक्स हमें ये बताते हैं कि मौर्य शासक थे वो क्षत्रिय थे। ब्राह्मणिकल टेक्स डिस्क्राइब देम एज बीइंग ऑफ लो ओरिजिन, साथ ही ब्राह्मण टेक्स हैं उनमें मौर्यों को निम्न कुल का बताया गया है। द सुंग्स एंड गणवा द इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ द मौर्य वर क्षत्रिय। मौर्यों के जस्ट बाद में शासन करने वाले सुंग और गणवा वंश के शासक क्षत्रिय वर्ग से थे। ऑप्शन डी, द सकास हू केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड एज द मल्लेच्छ। सेंट्रल एशिया से आने वाले सर शासकों को मल्लेच्छ कहकर पुकारा जाता था। 55 स्टेटमेंट ए, मल्लेच्छ वर फैमिलियर विद द संस्कृत ट्रेडिशन। मल्लेच्छ लोग थे वो संस्कृत की जो परंपराएं थी उससे वो परिचित थे। रीजन ए, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द संस्कृत डिस्क्राइब हाउ रुद्रदामन द बेस्ट नोन सर्कुलर रिव्यूड सुदर्शन लेक। क्योंकि शुरुआती प्रसिद्ध सर शासकों में से एक रुद्रदामन का एक संस्कृत अभिलेख हमें मिलता है जिसमें जानकारी मिलती है कि उसने सुदर्शन लेक का पुनर्निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू, ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर एक्सप्लेन से, ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर डिडंट एक्सप्लेन ए। 56 व्हिच रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी वाज नोन एज यूनिक ब्राह्मण एज ए डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ द क्षत्रिय। इनमें से सातवाहन वंश के किस शासक को यूनिक ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था जिसने की क्षत्रियों के प्राइड को नष्ट किया? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ऑप्शन डी गौतमी पुत्र श्री नाटकर्णी, ऑप्शन सी वशिष्ठ पुत्र श्री सातकर्णी, ऑप्शन डी वशिष्ठ पुत्र श्री नाटकर्णी। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस सातवां रूलर व्हिच वाज आल्सो नोन एज द यूनिक ब्राह्मण और अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियाज, क्षत्रियों के प्राइड को नष्ट करने वाला भी उसको बोला जाता था। 57 इन रेस्पेक्ट ऑफ द सातवां डायनेस्टी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। सातवां साम्राज्य से लेकर कुछ स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा सही नहीं है? दे इंश्योर दैट देयर वाज नो इंटर मैरिज अमंग्स मेंबर्स ऑफ द फोर वर्णास। सातवां शासकों ने यह सुनिश्चित किया कि चार वर्णों के बीच किसी प्रकार की कोई भी इंटर मैरिज नहीं की हो अलाउड की जाएगी। दे एंटर्ड इनटू ए मैरिज अलायंस विद द किंग ऑफ रुद्रदामन। उन्होंने रुद्रदामन के वंश के साथ वैवाहिक गठबंधनों का की शुरुआत की। लेकिन ब्राह्मणों की परंपरा के अनुसार राजा को हमेशा क्षत्रिय वर्ग से होना चाहिए। ऑप्शन डी, दे प्रैक्टिस्ड टैक्सोनॉमिक सिस्टम रिकमेंडेड इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। उन्होंने ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में दिए गए जो शादी की जो एक्सोनॉमिक सिस्टम है उसको उन्होंने हमेशा फॉलो किया है। 58 इन रेस्पेक्ट ऑफ द जाति विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। जाति से संबंधित इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर ए, इन ब्राह्मणिकल थ्योरी जाति लाइक वर्णाज वाज बेस्ड ऑन बर्थ। ब्राह्मणिकल थ्योरी के अनुसार जाति वर्ण की तरह ही जन्म के ऊपर आधारित होती है। ऑप्शन बी, देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ जातीज। जातियों की संख्या कितनी होनी चाहिए इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं था। ऑप्शन सी, वेन एवर ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज एनकाउंटर्ड न्यू ग्रुप्स। जैसे ही ब्राह्मणिकल अथॉरिटी किसी नए ग्रुप से मिलते थे किसी नए ग्रुप से उनका मेलजोल होता था। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए
पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट सच एज द निसास, वन में रहने वाले लोग जैसे कि निसात लोग, विच डिडंट इजीली फिट इनटू द फोर फोल्ड वर्णा सिस्टम, जिनको कि सॉरी चार वर्ण वाले व्यवस्था में कहीं भी स्थान नहीं दिया जा सकता था, दे क्लासिफाइड देम एज जाति, तो उनको एक जाति के रूप में क्लासिफाई कर दिया जाता था। ऑप्शन डी, जातीज विच शेयर्ड ए कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन वर समटाइम्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू श्रेणीज और गिल्ड्स, वे जातियां जो कि सामान्यतः एक ही ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन को करती थी वो अपने आप को गिल्ड या श्रेणी के रूप में संगठित कर लेती थी। ऑप्शन ई, ऑल दी अबव के सभी स्टेटमेंट सही हैं। विच स्टोन इंस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट ए गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स और जातीज, सिल्क वीवर से संबंधित इंस्क्रिप्शन हमें किस स्टोन इंस्क्रिप्शन से मिलता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी टोपरा, ऑप्शन सी मंदसौर, ऑप्शन डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 62, विच कैटेगरी एकलव्य वाज बिलोंग, एकलव्य का संबंध इनमें से किस कैटेगरी से है? ऑप्शन ए ट्राइबल, बी ऑप्शन बी निसंका, ऑप्शन सी द यदुवंशी, ऑप्शन डी द निषाद। 61, दोज पीपल हु स्पोक नॉन संस्कृत लैंग्वेज वर लेबल्ड एज, गैर संस्कृत भाषा बोलने वाले लोगों को किस नाम से पुकारा जाता था? द निषाद, ट्राइबल्स, मल्लेच और अनटचेबल्स। ऑप्शन ए निषाद, ऑप्शन बी ट्राइबल, ऑप्शन सी मल्लेच, ऑप्शन सी अनटचेबल्स। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द प्योरिटी एस्पेक्ट, सम एक्टिविटीज वर रिगार्डेड एज पर्टिकुलरली पॉलिटिंग, दीज इंक्लूडिंग हैंडलिंग कॉर्पसेज एंड डेड एनिमल्स, दोज हु परफॉर्मड सच टास्क डेजिनेटेड एज वर प्लेस्ड एट द वेरी बॉटम ऑफ द हायरार्की, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। जो प्योरिटी एस्पेक्ट था ब्राह्मणों का, उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे काम थे जिनको कि पोल्यूटिंग वाला माना गया था, जिसमें विशेषकर जो मृत लोगों की और जो डेड एनिमल्स थे उनको हैंडल करना शामिल था। तो इस प्रकार के काम करने वाले लोगों को क्या बोला जाता था, जिन्हें कि समाज में सबसे नीचे स्थान पर रखा गया था? ऑप्शन ए मल्लेच, ऑप्शन बी अनटचेबल, ऑप्शन सी ट्राइबल, ऑप्शन डी सांडल्स। 63, व्हाइल द ब्राह्मण्स कंसीडर्ड सम पीपल एज बीइंग आउटसाइड द सिस्टम, दे आल्सो डेवलप्ड ए शार्पल सोशल डिवाइड बाय क्लासिफाइंग सर्टेन सोशल कैटेगरीज एज, मेंशन द नेम ऑफ सच कैटेगरीज। ब्राह्मणों के द्वारा कुछ लोगों को, कुछ कैटेगरीज को अपने जो व्यवस्था थी उससे एकदम बाहर का माना जाता था, तो समाज से रिलेटेड इस प्रकार का एक भेदभाव क्रिएट करने के लिए, डिवीजन क्रिएट करने के लिए उन लोगों को कुछ स्पेसिफिक सोशल कैटेगरी में रखा गया है, जिनको नाम दिया गया ऑप्शन ए अनटचेबल, ऑप्शन बी मल्लेच, ऑप्शन सी ट्राइबल, ऑप्शन डी निषाद। 64, द मनुस्मृति लेट डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चांडाल्स, विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट। मनुस्मृति में चांडालों से संबंधित कर्तव्य दिए गए, चांडालों की क्या ड्यूटी होगी वो लिखा गया, इनमें से कौन सा सही नहीं है? दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स साथ ही एंड वियर क्लोथ्स ऑफ द डेड एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन, उन्हें लोहे के ऑर्नामेंट्स पहने होते थे, लोहे के आभूषण धारण करते थे, साथ ही मरे हुए लोगों के कपड़े और बर्तनों का भी ये लोग यूज करते थे। दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन विलेजेस एंड सिटीज एट नाइट, साथ ही गाँव और शहरों में वो रात को नहीं चल सकते थे। दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स एंड सर्व एज एक्सपेंजर्स, उन्हें सफाई करने वाले सफाई के काम के साथ साथ उन लोगों की बॉडी भी डालनी बॉडी को भी डिस्पोज करना पड़ता था जिनके कोई सगे संबंधी नहीं होते थे। ऑप्शन डी, द चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फाइयान रोड दैट अनटचेबल सेड टू साउंड ए क्लैपर इन द स्ट्रीट सो दैट पीपल कुड अवॉइड सीइंग देम। चीनी यात्री फाइयान ने लिखा है कि अनटचेबल वर्ग के लोग हैं, उनको एक क्लैपर बजानी होती थी ताकि लोग उनको देखने से बच सके। हेनसांग ऑब्जर्व दैट एक्सवेंजर्स एंड सीवेंजर्स वर फोर्स टू लिव इनसाइड द सिटी, हेनसांग ने लिखा है कि एक्सवेंजर्स और सीवेंजर्स का काम करने वाले लोगों को शहर के अंदर रहने के लिए बाध्य किया जाता था। 65, इन रिस्पेक्ट ऑफ द जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। प्रॉपर्टी का जो जेंडर्ड एक्सेस है, प्रॉपर्टी को लेकर जो लैंगिक विभाजन है उसको लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति, द पैटर्नल एस्टेट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग सन्स आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स विद अ स्पेशल शेयर फॉर द एल्डेस्ट। मनुस्मृति के अनुसार पेरेंट्स की मृत्यु हो जाने के बाद पिता की संपत्ति का सभी बेटों में समान रूप से बंटवारा किया जाता है, लेकिन सबसे बड़े बेटे को एक विशेष भाग दिया जाता है। ऑप्शन बी, वीमेन कुड नॉट क्लेम ए शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज, महिलाओं को इस प्रकार की संपत्ति में कोई भी हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। ऑप्शन सी, वीमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज और स्त्री धन, महिलाओं को अपनी शादी के समय जो गिफ्ट मिलते थे उन्हें रखने का अधिकार था, जिसे कि स्त्री धन का नाम दिया गया है। ऑप्शन डी, स्त्री धन कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड हैज स्पेशल क्लेम ऑन इट, इस स्त्री धन को उसके पुत्र उसके बच्चों के द्वारा यूज किया जा सकता था और उसमें उसके उसके पति का एक विशेष अधिकार होता था। ऑप्शन ई, मनुस्मृति वार्न वीमेन अगेंस्ट होल्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी, मनुस्मृति के द्वारा महिलाओं को परिवार की संपत्ति के संग्रह करने के विरुद्ध चेतावनी दी गई है और इवन देयर ओन वैल्यूएबल विदाउट द हस्बैंड्स परमिशन।
और अपने पति की परमिशन के बिना किसी भी प्रकार की अपनी वैल्यूएबल संपत्ति का भी संग्रह करना उनको अलाउड नहीं किया गया है। The communicative evidence, both epigraphic and textual, suggests that while upper class women may have access to the resources, हमारे पास इस प्रकार के अभिलेख ही और लिखित साक्ष्य हैं जो हमें ये बताते हैं कि अपर क्लास की महिलाओं का इस प्रकार की धन संपत्ति के तक पहुंच और अधिकार होता होगा। 66 According to the Brahminical text, which were two bases for regulating access to wealth, ब्राह्मणिकल ग्रंथों के अनुसार संपत्ति के ऊपर अधिकार के लिए कौन से दो आधार माने गए हैं? बर्थ एंड जेंडर, जन्म और लिंग, बर्थ एंड वर्णा, वर्णा एंड जेंडर, वर्णा एंड कास्ट। क्वेश्चन नंबर 67 तुजुल इकबाल तारिक भोपाल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? तुजुक की लिखती सांची, सांची का जो ग्रेट स्तूप है उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, उसकी उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए, उसकी देखभाल के लिए संपत्ति किसके द्वारा, धन किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए शाहजहां बेगम, ऑप्शन बी सुल्तान जहां बेगम, ऑप्शन सी जहान बेगम, ऑप्शन डी मेहम बेगम, ऑप्शन ई ए एंड बी। 69 टू होम जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑन सांची, सांची के ऊपर लिखे गए अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ को जॉन मार्शल ने किसे डेडिकेट किया है? ऑप्शन ए सुल्तान जहां, ऑप्शन बी मुमताज बेगम, ऑप्शन सी जहान बेगम, ऑप्शन डी महान बेगम। 70 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन व्हिच इज नॉट करेक्ट, अर्ली वैदिक ट्रेडिशन को लेकर कुछ स्टेटमेंट है, अर्ली वैदिक ट्रेडिशन को रिलेटेड स्टेटमेंट इनमें से कौन सा सही नहीं है? द ऋग्वेद कंपाइल्ड बिटवीन 1500 CE टू 1000 BC, ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच की गई है। ऑप्शन बी द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ हाइम्स ऑफ प्रेज ऑफ ए वैरायटी ऑफ डाइटीज स्पेशली अग्नि इंद्र एंड सोमा, ऋग्वेद के अंदर कई अलग अलग प्रकार के देवताओं की प्रशंसा में सूक्त लिखे गए हैं जो कि अग्नि इंद्र और सोम उनमें से स्पेशल है। सी एट फर्स्ट सेक्रीफाइस वर परफॉर्म्ड इंडिविजुअली, शुरुआत में जो सेक्रीफाइस होते थे यज्ञ वगैरह होते थे वो व्यक्तिगत रूप से परफॉर्म किए जाते थे। ऑप्शन डी राजसूय एंड अश्वमेघ वर परफॉर्म्ड बाय द चीफ्स एंड किंग्स, राजसूय और अश्वमेघ जैसे सेक्रीफाइस थे उनको सामान्यतः मुखियाओं या राजाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। 71 इन विच टेक्स्ट द न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज बियॉन्ड वैदिक ट्रेडिशन वर डिस्कस्ड, इनमें से किस टेक्स्ट के अंदर वैदिक ट्रेडिशन से आगे की बात की चीजों को लेकर विचार विमर्श किया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी सोमवेद। इन विच टेक्स्ट द न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज बियॉन्ड वैदिक ट्रेडिशंस वर डिस्कस्ड, ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, उपनिषद एंड सामवेद। 72 हाउ मेनी स्कूल्स ऑफ थॉट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE, प्रथम मध्य शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में आचार्य विचार को लेकर कितने अलग अलग प्रकार की स्कूलों की स्थापना हो चुकी थी? 72, 64, 60 एंड 68। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एसोसिएटेड विद लाइवली डिस्कशंस एंड डिबेट्स ड्यूरिंग द मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE, प्रथम मध्य शताब्दी ईसा पूर्व में अलग अलग प्रकार के विचारकों के बीच होने वाले विचार विमर्श और वाद विवाद से कौन सा जगह जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए कुटकार, ऑप्शन बी केव्स, ऑप्शन सी कुटकारशाला, ऑप्शन डी चैतन्य। 74 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द बुद्धा टेक्स्ट व्हिच वन इज नॉट करेक्ट, बुद्ध साहित्य से रिलेटेड टेक्स्ट को लेकर कुछ स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए द बुद्धा टोट ओरली थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट्स, बुद्ध के द्वारा अपनी सामान्य शिक्षाएं हैं वो मौखिक रूप से दी गई हैं जो कि डिस्कशन और डिबेट्स के रूप में हैं। ऑप्शन बी आफ्टर हिज डेथ हिज टीचिंग्स वर कंपाइल्ड बाय डिसिपल्स एट ए काउंसिल ऑफ एल्डर्स और सीनियर मॉन्क्स एट वैशाली, बुद्ध की मृत्यु के बाद उसकी शिक्षाएं हैं उनको उनके शिष्यों के द्वारा एक काउंसिल जिसे काउंसिल ऑफ एल्डर्स या सीनियर मॉन्क्स बोला जाता है वैशाली के अंदर उनको कंपाइल किया गया था। द कंपाइलेशन ऑफ बुद्धा टीचिंग्स वर नोन एज त्रिपिटक, बुद्ध की शिक्षाओं को सामान्यतः त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। डी They were first transmitted orally and then written in Sanskrit language. उनको सामान्यतः पहले orally transmit किया गया, मौखिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया, बाद में उनको संस्कृत भाषा में लिखा गया। ऑप्शन ई द विनय पिटक इंक्लूडेड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दोज हु जॉइंड द संघ और मोनेस्टिक ऑर्डर, विनय पिटक के अंदर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं जो कि संघ को ज्वाइन करने वाले व्यक्तियों को फॉलो करने होते थे। ऑप्शन डी द बुद्धा टीचिंग्स वर इंक्लूडेड इन द सुत पिटक, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको सुत पिटक में रखा गया है। दधिदम पिटक डील डेट विद द फिलोसॉफिकल मैटर्स, बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक मैटर है दार्शनिक जो पक्ष है उसको अधिदम पिटक में रखा गया है। द दीपमसा एंड महावस्मा वर रिटन इन चाइना, दीपवंश और महावंश की रचना चाइना में की गई, नहीं चुराना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और संपत्ति का संग्रह नहीं करना।
76 consider the following statement in respect of hagiography, which one is not correct? हेजियोग्राफी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है उनको बस पहचानी है। ऑप्शन ए इट इज ए बायोग्राफी ऑफ ए पावरफुल रूलर, ये एक शक्तिशाली शासक की आत्मकथा होती थी। ऑप्शन बी इट इज ऑफन प्रेज द सेंट्स अचीवमेंट्स एंड मे नॉट ऑलवेज बी लिटरेरी एक्यूरेट, ये सामान्यतः किसी संत के अचीवमेंट्स को दर्शाता है लेकिन वो सामान्यतः सही नहीं होते थे। ऑप्शन सी दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे टेल्स अस अबाउट द बिलीव्स ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सामान्यतः हमें उस ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोगों के विश्वास के बारे में जानकारी देते हैं। इट वॉज रिटन इन बायोग्राफी मैनर और इसकी रचना आत्मकथात्मक मैनर में की जाती थी। 77 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द बुद्धा, विच वन इज नॉट करेक्ट, बुद्ध से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा सही नहीं है। सिद्धार्थ एज द बुद्धा वॉज नेम्ड एट बर्थ वॉज द सन ऑफ ए चीफ ऑफ शाक्य कलान, सिद्धार्थ जो कि बुद्ध का बचपन का नाम था उसका जन्म शाक्य कुल के चीफ के घर में हुआ था। हिज फर्स्ट जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड वाज ट्रॉमेटिक, he was deeply anguished when he saw an old man, a sick man and a corpse, बाहरी संसार में जो उसकी पहली यात्रा थी वो बहुत ही दुखमय थी, जिसमें उसने वो इस पूरे संसार से बहुत ही दुखी हुआ जब उसने एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को और एक कॉर्प्स लाश को देखा था। The Buddha's teachings have been reconstructed from stories found mainly in the Sutpitak, बुद्ध से संबंधित जो शिक्षाएं हैं उनको सामान्यतः कहानियों के द्वारा बुना गया है जो कि सामान्यतः हमें सुतपिटक में मिलती है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी, बुद्ध फिलोसफी के अनुसार दी वर्ल्ड ट्रांजिट वर्ल्ड है वो क्षण भंगुर एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, जो कि लगातार बदल रहा है। इट इज ऑल्सो सोलेस, साथ ही अनात्म है। देर इज नथिंग प्रोमिनेंट और इटर्नल इन इट, क्योंकि इसमें कुछ भी प्रोमिनेंट नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। विद इन दिस ट्रांजिट वर्ल्ड इज क्षण भंगुर संसार में, सोरो इज इन ट्रांजिट नो ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का मेन कारण है उसके दुख। It is followed by the path of moderation between severe penance and self-indulgence that human being can rise above those worldly troubles. सांसारिक दुखों से ऊपर बढ़ने के लिए human beings को अपने moderation के पाथ को मध्यम मार्ग को follow करना चाहिए। In the earliest forms of Buddhism, whether or not God existed or not, शुरुआती जो Buddhist form है उसमें भगवान का अस्तित्व है या नहीं है ये irrelevant है, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। The Buddha emphasized collectively agency and righteous action as the means to escape from the cycle of rebirth and attain self-realization and nirvana, literally the extinguishing of the ego and desire. बुद्ध के द्वारा सामान्यतः सामूहिक प्रयासों के ऊपर जोर दिया गया है कि इन सामूहिक प्रयासों के द्वारा यदि हम सही एक्शन लेते हैं तो उसी के द्वारा हम बर्थ और रिबर्थ के साइकिल से मुक्ति प्राप्त करते हुए निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, और इसके लिए हमें हमारे ईगो और डिजायर को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है। 78 स्टेटमेंट है द बुद्धा रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस रादर देन ऑफ डिवाइन ओरिजिन, भगवान बुद्ध के द्वारा इस संसार की रचना ह्यूमन बींग्स के द्वारा मानी गई है न कि किसी दैवीय व्यवस्था के तहत। रीजन आर देयर फॉर ही एडवाइज किंग्स एंड गृहपतिज टू बी ह्यूमन एंड इथिकल, इसीलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को यह संदेश दिया है कि उन्हें ज्यादा मानवीय और नैतिक होना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी ए इज फॉल्स आर इज करेक्ट, ऑप्शन सी ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स द ए, ऑप्शन डी ए एंड आर बोथ करेक्ट बट आर डजंट एक्सप्लेन द ए। क्वेश्चन नंबर 79 इन बुद्धिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स वर नोन बाय विच नेम, बौद्ध धर्म में जो भिक्षुओं की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए गण, ऑप्शन बी संघ, ऑप्शन सी स्तूपा, ऑप्शन डी विहार। गण, संघ, स्तूप और विहार, इनमें से किस नाम से इस ऑर्गेनाइजेशन को माना जाना जाता था बौद्ध धर्म में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्वेश्चन नंबर 80 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ संघ, विच वन इज नॉट करेक्ट, संघ से संबंधित जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए इनिशियली ओनली वुमेन वर अलाउड इनटू संघ, शुरुआत में संघ के अंदर केवल महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। ऑप्शन बी आनंद वन ऑफ द बुद्धा डायरेक्ट डिसिपल हु परसुएडेड हिम टू अलाउ वुमेन इनटू द संघ, बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने महात्मा बुद्ध को इसके लिए परसुएड किया, इसके लिए उन्हें मतलब तैयार किया कि वो संघ के अंदर महिलाओं की अनुमति की महिलाओं को अनुमति दें। ऑप्शन सी द बुद्धास फोस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डिनेट एज ए भिक्षुणी, बुद्ध की जो फोस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी थी वो संघ के अंदर प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। ऑप्शन डी मेनी वीमेन हु एंटर्ड द संघा बिकेम टीचर्स ऑफ धम्मा एंड वेंट ऑन टू बिकम थेरीज और रेस्पेक्टेड वीमेन हु हैड अटेंड लिबरेशन, संघ के अंदर प्रवेश करने वाली कई सारी महिलाएं बाद में चलकर धर्म की शिक्षक बन गई और जिनको बाद में थेरी या सम्मानित महिलाओं के नाम से जाना गया, जिन्होंने की
अपने निर्वाण की प्राप्ति की। द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द संघ वाज बेस्ड एट थॉट डिस्कशन, संघ की जो पूरी कार्य प्रणाली थी वो विचार विमर्श के ऊपर आधारित थी। इफ दैट फेल्ड, यदि विचार विमर्श की प्रक्रिया में सफलता नहीं मिलती थी तो डिसीजंस वर टेकन बाय ए वोट ऑन द सब्जेक्ट, तो किसी भी विषय को लेकर निर्णय लेने के लिए वहां पे वोटिंग की प्रोसेस को यूटिलाइज किया जाता था। तो ओके फ्रेंड्स, दीज आर क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 1 टू 80 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू 4। आंसर्स विल बी प्रोवाइडेड सून, काइंडली सेंड योर रिस्पॉन्सेज एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू, बाय बाय।